Μάνα, εσύ είσαι πολύ με την κουράζα λίγη. Να βγει, το μην πάρω. Μην πει, δεν θα τραγωγήσει το καρτέν. सर ये क्लियर नहीं है सर सारा ये जितना भी ये सर आपको variance of mu is not constant.
ना एक ये तो ये बात क्लियर होगी यानी वेरिएंस ऑफ व्यू इज टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और देयर एस्टिमेटेड वाई वाई हैट जो हमने किया था जब उससे लेना अब ये तो हो गया सोर्स अब प्रॉब्लम ये है ओके यू हैव लोकेटेड द प्रॉब्लम कि देयर इज अ थॉट नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ दिस If sigma square is taking effect from any one of the independent variable, how much? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने कहा कि आपने कैमरा आपने लोकेट किया कैमरा से देख लिया कि दिस इज द प्रॉब्लम इट इज ड्यू टू इंटरेस्ट ड्यू टू एंगेजमेंट ड्यू टू एंगजाइटी ड्यू टू एनी वन ऑफ द प्रॉब्लम इज हाउ मच ये जो है ना कि हाउ मच अगर वो कितना उसका साइज है उसको उसी हिसाब से काटना ताकि उसका इफेक्ट वेरिएंस से दूर हो जाए और वेरिएंस हमारा ठीक हो जाए इस प्रोसेस को कहते हैं रेमेडियल मेजर ऑफ कैलकुलेशन एक्यूरेसी नाउ इन एसपीएसएस ये बड़ा मुश्किल था उस साइज को मेजर करना और उसको फिर रिमूव करना बहुत मुश्किल था आसान नहीं है जैसे वो क्लॉट को काटना निकालना वो उसके साथ एक्चुअल नेम क्या है जो वो आर्टिलरी कोई उसको नुकसान ना पहुंचे जिसका मैं आपको बिल्कुल मेडिकल साइंस में जैसा इसी तरह जैसे साइंस ऑफ डेटा दैट व्हेन यू आर रिमूविंग द इफेक्ट द एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नंबर ऐसा ना हो कि वो एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू भी कट हो जो एक्चुअल उसका इफेक्ट है वो तो रहना चाहिए ना टीवी के ऊपर तो ऐसा ना हो एक्स्ट्रा काट इस बात का कितनी हाउ मच इज द मास और हाउ मच इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द नंबर व्हिच इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द वेरिएशन इन द वेरिएंस ये हमने अब उसके लिए हुआ क्या कि बहुत सारे इकोनॉमेटिशियंस ने मैथमेटिशियन ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की उस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको दिखाऊंगा कि वो किस नाम से वो डिफरेंट लेवल्स है जिस तरह मैंने कहा कि मास बड़ा है तो उसी हिसाब से कट भी बड़ा है स्मॉल इफेक्ट है तो स्मॉल इफेक्ट पांच के नंबर से वेरिएंस इंक्रीज कर रहा है तो पांच को ही रिड्यूस करना है छह के नंबर से 25 के नंबर से तो उतना ही हमने कट करना है तो ये जो इस बात को ध्यान रखना है मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बात कहां छुपी होगी इसको क्या कहते हैं ये मैंने आमतौर पर हम इसको क्या कहते हैं इसको ये स्टैट्स में जाके सिंपल जिस तरह हमने लास्ट टाइम की थी कि ये पार्ट पार्शल कोरिलेशन हमने कर ली और बाकी ये आगे चले गए प्लॉट्स की मदद से अगर देखना चाहते तो ये इसको कंटिन्यू करना है तो इसी तरह अगर प्लॉट्स को सेव कर रहे हैं वो जो हमने किया था प्लॉट में हम क्या है प्लॉट में हम विजुअली देख रहे होते हैं कि उसका जो नॉन कॉन्स्टेंट वेव्स की वजह से तो उनकी शेप कैसे बन रही है उसमें पीपी प्लॉट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है नोट्स में करा देंगे इसी तरह इसको करा मैं उसको भी एक्सप्लेन किया अब पीपी प्लॉट प्लॉट जो है वो एक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है फिर यानी थ्योरेटिकली इफ पंजाब प्रोविंस इज हैविंग 60% पॉपुलेशन तो शेयर शुड बी 60% तो परफेक्ट ऑनलाइन आएगा 40% population, rest of the provinces, एक का 15 है, एक का 20 है, एक का कुछ है, तो उतना proportion तो मिलना चाहिए। Ideally हमें, but when there is heteroscedasticity, जिस तरह पहले बताया, कि some variables are taking more share from the number, एक extra amount के साथ build हो रही है। उसकी वजह से वो क्या होता है, वो आपको zigzag जो नजर आया था, जो मैंने notes में भी दिखाया होगा, तो वो उस लाइन के साथ पूरा वो नहीं होता है सेपरेट हो जाता है हैवीनेस की वजह से वो अपनी जगह पे नहीं होता उसे डिस्प्लेस हो जाता है दैट इज इंडिकेटर ऑफ हेटरोसेंट्रिसिटी इफ इट इज नॉट ऑन द लाइन जितना द फर्दर इट इज फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन द मोर एलिमेंट ऑफ हेटरोसेंट्रिसिटी ठीक है ये इस तरह से वो उसकी शेप पे फर्क सारे ग्राफ्स में जो आपने तस्वीर दिखे ना है बेसिकली हमें एक स्कैटर्ड
हमें किसी फिनोमिना आइदर डायमंड शेप या कोन शेप या इस तरह का डेटा नहीं चाहिए, वो फिर होमोजेनिटी होगी जो मैं जो ऐसे जितना स्कैटर्ड होगा। अब सर अगर इसको मैं ट्रांसलेशन करूँ तो इसका मतलब ये है कि सर मेरी हर एक एक्स की मूवमेंट पे वाई को मूव करना चाहिए, तो तभी मैं वो फिनोमिना बेसिकली फोन नंबर आपने दिया नहीं है कि तंग करेंगे तो फिर जिंदगी पूरी कैसे चलेगी? नहीं ना सर, ऐसे फिर नान लेने वाली हो गया। अभी आप आज मुझे कोई थोड़ा सा रिस्पांस मिला है लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। सर सारे पढ़ रहे हैं सर, सारे तो जावेद भी आ रहा है, हमने उसको इतना कहा कि हमने कहा जावेद आएगा मेरा पता मिल जाएगा। यहाँ समझे प्लीज इसको गौर से देखिए। पी एच डी मैंने जैसे शुरू में कहा पी एच डी जो मतलब करता है ना उसके लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। तो आप ये नहीं है वो अंडर ग्रेड की या फिर डिग्री नहीं है कि लेके तो ये जेल में डाल के तो आप इंटरव्यू करने चले जाएंगे। पी एच डी मीन्स नाउ यू आर गोइंग टू बिकम एन इंटरनेशनल प्रोडक्ट।
ठीक है, बिकॉज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर आई यू आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश द पेपर इन अ जर्नल विच इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। आपका रीडर जो है सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, ये चार बंदे नहीं है, इंटरनेशनली रेस्पेक्टेड। और खुद सोच लेंगे आपकी अगर जरूरतमंद करना है या जरूरतमंद नहीं होना, सीधी बात। इसलिए ये चीजें सीखनी सीखनी, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो अब यहाँ पे एक चीज समझें, जो शायद बॉक्स के अंदर जो लिखी होती है वो तो सारी थ्योरी है, ये सारे प्रैक्टिकल आपके सामने आ रहे हैं। अगर आपने हम रिलेटेड मेजर्स की बात कर रहे हैं, अगर रिमूवल करनी हो तो हम यहाँ पे हमें पता हो कि इन चार में से ये वेरिएबल है जिसकी वजह से एट्रोसिटी कास्ट कर रही है, हम उसकी कोई शक्ल बिगाड़ के इधर डाल सकते हैं WIS वाले। ये क्या करेगा, ये वेट जो है ना जितना अमाउंट उसके पास एडेड है ये उतना कट कर देगा, एट्रोसिटी दूर हो जाएगी। तो वेट ये जो इसका ये लिखा हुआ WIS वेट, अपने नोट्स में प्लीज नोट कर लेंगे, ना किताब में होती है ना मेरी, ये हमारे प्रैक्टिकल रिसर्च का एक्सपीरियंस है जो आपके लिए शेयर करते हैं। WIS इज द एप्लीकेशन ऑफ वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड। वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड तो करते हैं वो सर, लीस्ट स्क्वायर एरर है मेथड। ये वेटेड लीस्ट स्क्वायर यानी वो जो सिंपल, अगर यहां तक हम छोड़ दें हमें कोई वेट इसमें नहीं डाला तो वो सिंपल OLS है, ठीक है, जो आप रिग्रेशन नंबर करते हैं उसके अंदर मसले आ रहे हैं, आप उनको दूर करना है तो कैसे करते हैं। ये एक लंबा प्रोसीजर है, अगर आप चाहेंगे किसी दिन मैं ये भी करके दिखा रहा हूँ, अभी स्टेप नोट कर लें और करें, अगर नहीं होता तो मैं देखता हूँ आप करेंगे क्या। ये इसको स्टेप नोट कर लें, अगर वेटेड लीस्ट स्क्वायर कभी में कोई क्या भी देता है कि वेटेड लीस्ट स्क्वायर लगाओ होता है। ये जो इसका वेरियंस है ये इफेक्ट ले रहा है X1 से या X2 से, जिसकी वजह से रेट्रोसिटास्टिसिटी है, कितना इफेक्ट है। अगर ये बात करेंगे हमने किसी तरह ये पॉइंट कर लिया कि ये इतना ले रहा है, अब ये कैसे इसके इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है कि ये कितना इफेक्ट ले रहा है। अब उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हुई है, मेडिकल प्रोग्रामिंग की हुई है ये निकालने की। मैं आपको सिंपल ये WLS जब सामने आया तो मैं आपको एक सिंपल मेथड, आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर वेटेड लीस्ट स्क्वायर यानी पार ये स्टेप्स की सीखने हैं, पार दी कैलकुलेशन ऑफ वेट वेट सीरीज क्या है, नंबर वन रिग्रेशन एस्टीमेट कर ली, नंबर टू वाई हैट कैलकुलेट कर लिया, X1 X2 की वैल्यू डालते हैं वाई हैट में वो आ जाता है जैसे हमने X1 किया, नंबर थ्री वाई हैट स्क्वायर या वाई हैट स्क्वायर रूट निकाल के चौथे स्टेप में इसका रेसिप्रोकल ले लें। हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे वाई हैट स्क्वायर निकालना या वाई हैट अंडर रूट निकालना, वाई हैट स्क्वायर या वाई हैट अंडर रूट वेट को डिफाइन करने के कई तरीके हैं। एक कर सकते हैं जब ये सीरीज आ गई है ये सीरीज निकल आएगी ये आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ रेसिप्रोकल कैसे, 1 ओवर वाई हैट स्क्वायर या ये निकाला है तो फिर ये 1 ओवर वाई हैट स्क्वायर इसको कहते हैं वेट, ये आपका वेट है W इसको कहते हैं। पांचवें स्टेप में आप रिग्रेशन को दोबारा एस्टिमेट करें, रिग्रेशन विद
वेट, और वेट किधर डालेंगे, बाकी सारा कुछ उसी का रहेगा। ये जो वेट इधर लिखा हुआ है ना WLS, हाँ वो इधर आपको शो होगा ना, जब ये जब आप ये बना देंगे तो ये लिस्ट में आ जाएगा ना। उस लिस्ट से जैसे हमने यहाँ से उठा के इसको क्लिक किया, ये इधर आ जाए। इसी तरह जब आप W कैलकुलेट कर देंगे तो W को उठा के इधर आ जाए। ठीक है, करेंगे तो ये जिधर जिधर ये इफेक्ट ले रहा है वो ये नीचे है, वो मल्टीफाई होके आ रहा है, तो ये खत्म कर देगा उसको। फैटर उसकी काफी थी, लंबा प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर है, लेकिन इस तरह हो जाएगा। फिर अभी शॉर्टकट में लेकिन जैसे पता हो कि सिस्टम कर क्या रहा है, ये तो पता हो कि सिस्टम ये कर क्या रहा है, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं WLS, वेटेड लीस कर। जिसको WLS लिखा हुआ है ये उसने WLS लिख के आगे बात खत्म नहीं कर दी, उसने कहा कि इसका वेट बताओ, ये वेट ऐसे निकलता है। यानी कि डिफरेंट रेगुलेशन को हम जब कैलकुलेट करना चाहें उसके लिए फिर ये WLS। यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर इसको देखें, मैं आप इसको अपने स्टेप पर लिंक करके आपको ठीक है सर। ये मैं गया था इसमें सेव में, ठीक है। ये अनुभव ये हमने कर लिया जी, ये अनुभव को हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। ओके,
ठीक है ओके किया, देखते हैं अनवर कैलकुलेट हुआ है कि नहीं, हो गया ये अनवर कैलकुलेट देख रहा है, ये अनवर ये सारी वैल्यू अनवर की अनवर ये वाई एड्स कर है। अभी ये क्या करना है, वन ओवर वाई एड्स कर निकालना है, दोबारा कंप्यूटर में जाए ट्रांसफॉर्म कर, मैंने एक स्टेप में भी हो सकता है समझाने के लिए, दो स्टेप की है कंप्यूटर में भी है। अब अनवर आर टी स्क्वायर रूट या इसका नाम आप तो वेट करते हैं ना, वेट आ जाएगा ना, अनवर से वेट निकालते हैं इसलिए वेटेड लीस्ट स्क्वायर क्योंकि इसमें वेट आ जाए। अच्छा अब इसका क्या करना है, हमने ये जो हमने इसको तो याद फारिग कर दें क्योंकि ये तो कंप्यूटर हो गया ना, तो अनवर को इधर लेके आएंगे और इसको हमने करना है इसका स्क्वायर रूट, क्या इसमें है जी एस क्यू आर टी है कि या कुछ करना पड़ेगा, देखें कि स्क्वायर रूट का कोई फार्मूला है या कि एस क्यू आर टी एस देखें जरा एस करके देखें एस डी सिग्निफिकेंट एस ये एस क्यू आर टी आगे ऊपर ठीक है आगे। अच्छा ये वो कह रहा है तो मैंने असल में वेरिएबल क्योंकि पहले भारी है तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करके जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखना है जहाँ पे वो पूछ रहा है ना कि किसका निकालना है, हम कहते हैं कि अनवर का स्क्वायर रूट का और इसको वन पे डिवाइड भी कर दो, वन डिवाइडेड बाई एस क्यू आर टी अनवर हो गई, अगर रन हो जाए ये ओके किया हो गया जी। अच्छा अब ये हमारे पास ये देखें, अब ये पहले हमने अनवर निकाला फिर अनवर का वेट निकाल लिया, अब जो हमारे पास वेट, अब जब हम रिग्रेशन रन करेंगे ये एनालाइज रिग्रेशन वो जो लीनियर रिग्रेशन ले जाए वही रिग्रेशन निकालना। हाँ ठीक है बाकी सारे वेरिएबल उसी तरह वेट नीचे, वेट नीचे इधर इसको उठा के इसमें डाल देंगे ये, अब भी इसकी रिग्रेशन रन करेंगे ओके किया, अब ये आगे आगे वेटेड लीस्ट कर समझ आइए। अब ये देखें ये आपका वेटेड लीस्ट कर है, अब इसको और उससे कंपेयर कैसे करना होगा, कंपेयर करते हैं इसको किसी जगह, इसको फिर मुझे बंद करना पड़ेगा ये मैग्नीफायर, या फिर आप इसका करें इसकी तस्वीर ले लें फिर वो जो पहले किया है उसकी तस्वीर लेके दोनों तस्वीरों को आपस में कंपेयर करते हैं। ये जो आई है ये जो एस्टिमेशन है दिस इज आफ्टर अप्लाइंग वेट व्हिच इज नोन एज वेटेड लीस्ट कर, जो पहले किया है वो है अनवेटेड। अब इसको जरा नोट कर लें, मैं एक चीज भूल गया अपने वो लोअर पाउंड और अपर पाउंड वो निकाला, अगर वो भी निकालना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, इसके ले ली तस्वीर, इसको काबू रखें, जो ऊपर निकाला है उसकी तरफ जाते हैं, जो हमने ये है ना ये पहले रिजल्ट है हमारे, इसमें ये रिग्रेशन होगा ये। अच्छा वो तस्वीर आप बोल रहे हैं, अभी इससे जरा कंपेरिजन करें कहां कहां फर्क है, स्टैंडर्ड एरर को देखना है सर, हेडिंग में भी फर्क है ए और बी था उसमें, इसमें ए है सिर्फ कोफिशिएंट्स में, नहीं सही बात हमें बताएंगे कि वो लेटेस्ट स्पीड स्क्वायर वेटेज की फुट नोट की इंफॉर्मेशन है ए बी उसका नहीं, आप नंबर्स को देखिए जी, स्टैंडर्ड एरर पहला देखिए चेंज है सर, यहां पहला कितना है, पहले तो सर 4.5 अच्छा 4.528 है सर। ये एक बात जो गलत फहमी या किसी किस्म
ये ना समझे कि वेटेड डिस्क लगाया है तो वो टी बड़ा हो जाएगा, यानी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आज कल क्यों देखिए, आज कल क्यों करता था, ये पहले अनुभव है। आप अभी वाला जो है ये पहला अनुभव है। आप उसमें चले जाते हैं जो हमने विदाउट बेड निकाला, इसको और उसको देखें क्या फर्क है। एफ को देखें आपकी बिल्कुल सेम कोडिंग फर्क है, 14.019 है वो 14.049 है, अभी कोई ज्यादा फर्क नहीं, ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा आगे ये जो चीज है मींस कर ये 2.620 था और यहाँ पे आ रहा है 6.379। अच्छा ये काफी फर्क है, नीचे भी तो आ रहा है सर, रेजुअल आपका आ रहा है सर 12.307 और ये तो 3.544। ठीक है, इसका मतलब है कि वेटेड डिस्कर ने चीजें एडजस्ट की हैं। एक बात याद रखिए, इसका मतलब ये टारगेट नहीं है, एटी बढ़ जाएगा एफ बढ़ जाएगा, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल है वो अपनी जगह पर होगा, तो इसलिए ये रिलायबल है, इसलिए इसको रोबस्ट कहते हैं। पर फर्क तो आना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस आना चाहिए या बहुत कम वो जब हमने उसको डिटेक्ट किया उसको बहुत ज्यादा होना चाहिए? नहीं, ये हम नहीं कह सकते ना, वो डेटा की नेचर पे है, कहीं भी ज्यादा नहीं होगा। अब इस डाटा में अच्छा, अब मैं ये जो लंबा जोड़ा मैंने किया काम, ये सारी चीजें इसके अंदर ट्रेडमेंट मौजूद है, तो क्यों हम डर स्क्वायर लें, अनवर बनाए, अनवर का स्क्वायर रूट लें, उसका डबल स्क्वायर लें, उसका नाम रखें, काम का अनवर साहब का नाम क्यों है, जैसे सिस्टम आपका रन होता है वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जनरेट हो जाती है, और वो ये जो तो हम तो उठा के ला रहे थे ना डब्ल्यू को, हमने उठा के वो खुद बहुत वहां पर एडजस्ट करके डाल के आपको नई वैल्यू कैलकुलेट करके बता देगा कहाँ पे है वो। अब हमारा टॉपिक ये है हाउ टू डायरेक्टली रिमूव एटोस क्लासेस यूजिंग ये, इसको कहते हैं सी एच, जो जा रहे हैं वो सी एस।